मौसम चुनावी है तो सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, खासकर बीजेपी। हालांकि सभी कर रहे हैं लेकिन बीजेपी की तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है और हो चुकी है। बीजेपी के दिग्गज दौरे पर दौरे कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे, जहां से उन्होंने हुंकार भरी और पूर्व की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया, निशाना साधा, उस पर जमकर बरसे और फिलहाल ये सिलसिला जारी है। चुनावों से पहले पीएम मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी में खूब गरजे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुनाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रकार से देरी करने से आपका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तराखंड का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? दो दो पीढ़ी का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ऐसे पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? ऐसा गुनाह करने वालों को भूल जाओगे क्या? या उनकी बड़ी बड़ी बातों से भ्रम में आ जाओगे क्या? पीएम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हल्द्वानी की गलियां मोदी मोदी के जय घोष से गूंज उठी। रैली ग्राउंड कार्यकर्ताओं और लोगों से फुल हो गया। प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए लोगों में होड़ लग गई। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 17,500 करोड़ की सौगात दी और पूर्व की सरकार पर जमकर बरसे। एक योजना फाइलों में इधर से उधर लटकती रहे, हर चुनाव में वादे किए जाए। भाइयों बहनों, मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, खोज खोज करके ऐसी पुरानी चीजों को ठीक करने में मेरा टाइम जा रहा है। अब मैं काम को ठीक कर रहा हूं, आप उनको ठीक कीजिए। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गजों के दौरों का सिलसिला जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनता को संबोधित कर हुंकार भर रहे हैं। खुद पीएम मोदी कभी उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे हैं तो कभी हिमाचल, और अब उत्तराखंड की धरती से भी मोदी ने विरोधियों को संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।